हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस कट क्रीज आई मेकअप लुक विद स्मोकी आईलाइनर। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये आई मेकअप लुक। सो अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करूंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे सोशल मीडियाज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप चाहो तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करूँगी पैक का मैट वाइव 10 आई शेडो पैलेट, और इसमें से जो लाइट बेजी शेड है उसको अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पे। सो यहाँ पे मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ली हूँ और उसके हेल्प से क्रीज पे अच्छे से कलर को ब्लेंड कर लूँगी। सो ये हम लोगों का ट्रांजिशन शेड होगा। सो इसको अच्छे से पैक ऑन करते करते मैं इंटेंसिव आई भी करूँगी। सो यहाँ पे आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो, मैंने यहाँ पे पैक का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। नेक्स्ट इसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश ले लूँगी और जो डार्क ब्राउन शेड है उसको अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे थोड़ा सा बिलो प्रीवियस शेड से, और इसके हेल्प से मैं इंटेंसिफाई करूँगी क्रीज को। और यही दो शेड मैं क्रीज पे अप्लाई करूँगी, इसके बाद हम लोग कट क्रीज ड्रॉ करेंगे। सो थोड़ा थोड़ा करके कलर को मैं प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी प्रीवियस शेड के साथ और इंटेंसिफाई भी करूँगी। सो ये पैलेट काफ़ी अच्छा है, ये मैट शेडोज है सारे, और सारे बहुत पिगमेंटेड है। थोड़ा सा कॉस्टली है आई नो, बट कलर पे ऑफ इज़ रियली गुड, और पैन साइज भी काफ़ी अच्छा है। सो इसके बाद मैं फिर से प्रीवियस शेड के साथ एजेस को ब्लेंड कर लूँगी एंड अगेन इंटेंसिफाई करूँगी। सो बैक एंड फोर्थ आपको इंटेंसिफाई करना है जब तक कि ना आपको डिज़ायर कलर मिल जाए। नेक्स्ट इसके बाद कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए मैंने एक कंसीलर यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने पैक का टेक कवर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए। सो मैं सबसे पहले मार्क कर लूँगी कहाँ तक मुझे कट क्रीज ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं काइंड ऑफ फुल कट क्रीज ड्रॉ की हूँ, एंड उसके बाद लीड स्पेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी बिकॉज इसके बाद मुझे दूसरा शेड अप्लाई करना है। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश ले लूंगी और ये जो काइंड ऑफ बेज शिमरी शेड आप बोल सकते हो इसको, सो वैसा काइंड ऑफ शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जो पैलेट मैंने यूज किया है वो निका के का 21 आई शेडो पैलेट में से यूज किया है, और शेड को मैं आईलिड पे प्लेस करूंगी। उसको मैं धीरे धीरे पैक करूंगी। ये फॉइल आई शेडो है जो कि फिंगर के हेल्प से काफी अच्छे से अप्लाई होता, ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है अप्लाई करने में, बट कलर इज पिगमेंटेड। उसके बाद मैं नायका का जेल आईलाइनर अप्लाई करूंगी और पैक का आईलाइनर ब्रश के हेल्प से मैं लाइनर को अप्लाई करूंगी। सो इसके हेल्प से मैं लाइनर ड्रॉ करूंगी एंड देन थोड़ा सा मैं इसके एजेस को ब्लेंड भी कर लूंगी स्मोकीनेस के लिए। सो जस्ट नॉर्मली आप जैसे लाइनर ड्रॉ करते हो वैसे आपको लाइनर ड्रॉ कर लेना है। सो ये लाइनर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ है। Cause we're on a
एंड इसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश ले लूंगी और उसके हेल्प से लाइनर के एजेस को थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूंगी विंग के साइड पे। और एक एंगल ब्रश ले लूंगी और इसके हेल्प से मैं इनर कॉर्नर को पॉइंटेड क्रिएट करूंगी एंड लोअर वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई करूंगी सेम लाइनर के हेल्प। एंड इसके बाद डार्क ब्राउन शेड के साथ स्मोक आउट करूंगी लोअर लैश लाइन को। इसके बाद मैं हाईलाइट कर लूंगी इनर कॉर्नर ब्राउन को। उसके लिए मैंने यूज किया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। दिस इज रियली अ नाइस हाइलाइटर। इसका अब से इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा। सो ओनली अपर लैशेस पे मैं इसको अप्लाई करूंगी। सो अपर लैशेस पे मैं अच्छे से कोट कर लूंगी एंड देन यूज करूंगी पैक का लोअर लैश मस्कारा लोअर लैशेस के लिए। सो ये मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इसका आपसे लोअर लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी एंड इसके बाद मैं लोअर इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का लिक्विड ग्लिटर। ये भी बहुत ब्यूटीफुल शेड है। सो इसका आपसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूँगी इनर कॉर्नर के साइड एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड जो भी प्रोडक्ट यूज़ की हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।